नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश का फंडा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आम बोलचाल में यूज होने वाले ऐसे 56 इंग्लिश सेंटेंसेस के बारे में सीखेंगे जो मोडल ऑक्सिलरी वर्ब से बने हैं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला सेंटेंस है प्यारे दोस्तों, वह वहां जा सकता था। इस इंग्लिश में कहेंगे He could go there. अगला सेंटेंस है, उसे स्टेशन पर पहुंचने के लिए टैक्सी लेनी चाहिए। इस इंग्लिश में कहेंगे He must take a taxi to reach the station. आप चाय लोगे या कॉफी? Would you like to take tea or coffee? अगला सेंटेंस है, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। You need not go there. अगला सेंटेंस है, उसमें मेरी बात ना मानने की हिम्मत नहीं। इस इंग्लिश में कहेंगे He dare not disobey me. अगला सेंटेंस है, क्या तुम कल कहीं जाओगे? इस इंग्लिश में कहेंगे Will you go anywhere tomorrow? अगला सेंटेंस है, क्या तुम उसकी मदद करोगे? इस इंग्लिश में कहेंगे Will you help him? अगला सेंटेंस है प्यारे दोस्तों, क्या वे तुम्हें अगले हफ्ते सूचना देंगे? इस इंग्लिश में कहेंगे Will they inform you next week? अगला सेंटेंस है, मैं किसी भी कीमत पर चाय छोड़ दूंगा। इस इंग्लिश में कहेंगे I will give up tea at any cost. Give up का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना। अगला सेंटेंस है, हम अपने देश की सेवा करेंगे। इसे कहेंगे We will serve our country. अगला सेंटेंस है, मैं अगले हफ्ते तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। इसे इंग्लिश में कहेंगे I will return your money next week. अगला सेंटेंस है, मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी में जरूर शामिल होऊंगा। इस इंग्लिश में कहेंगे I will attend your birthday party. अगला सेंटेंस है, मैं तुम्हारे खिलाफ शिकायत करूंगा। इंग्लिश में कहेंगे I will complain against you. अगला सेंटेंस है, हम सारा खेल खराब कर देंगे। इसे हम कहेंगे We will spoil the whole game. Spoil का मतलब होता है खराब कर देना, बर्बाद कर देना। अगला सेंटेंस है, क्या तुम मेरे पैसे वापस करोगे? इसे हम कहेंगे Will you return my money? अगला सेंटेंस है, वह मीटिंग में पक्का आएगा। इसे कहेंगे He will surely come in meeting. अगला सेंटेंस है, क्या तुम उससे पूछोगे? इंग्लिश में कहेंगे Will you ask him? अगला सेंटेंस है, क्या तुम इस मामले में मुझे मार्गदर्शन दोगे? इसे हम कहेंगे Will you guide me in this matter? अगला सेंटेंस है, क्या तुम आज सब्जी खरीदोगे? इसे कहेंगे Will you buy the vegetables today? अगला सेंटेंस है, क्या वो तुम्हारी शादी में आएगी? इसे हम कहेंगे Will she attend your marriage? अगला सेंटेंस है, क्या तुम स्टेज सजाओगी? इसे हम कहेंगे Will you decorate the stage? अगला सेंटेंस है, तुम ये काम किसी भी कीमत पर करोगे? इसे हम कहेंगे You will do it at any cost. अगला सेंटेंस है, क्या तुम मेरा सामान ले जाओगे? इसे कहेंगे Will you carry my luggage? लगेज का मतलब होता है सामान। अगला सेंटेंस है, दुर्घटनाएं होंगी। इसे कहेंगे Accidents will happen. अगला सेंटेंस है, भूकंप धरती को हिला देंगे। इसे हम कहेंगे Earthquakes will shake the earth. अगला सेंटेंस है, तुम मेरे आदेश को किसी भी कीमत पर मानोगे? इसे हम कहेंगे You shall carry out my order.
यू शैल कैरी आउट माई ऑर्डर। अगला सेंटेंस है, तुम मेरी इजाजत के बिना मेरे ऑफिस में नहीं आओगे। इसे हम कहेंगे यू शैल नॉट एंटर माई ऑफिस विदाउट माई परमिशन। यू शैल नॉट एंटर माई ऑफिस विदाउट माई परमिशन। अगला सेंटेंस है प्यारे दोस्तों, तुम्हें इनाम मिलेगा। इसे कहेंगे यू शैल गेट अ रिवार्ड। यू शैल गेट अ रिवार्ड। अगला सेंटेंस है, उसे बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी। इसे हम कहेंगे ही शैल बी अलाउड टू गो आउट। ही शैल बी अलाउड टू गो आउट। अगला सेंटेंस है, दोबारा ऐसा करने पर तुम्हें सजा दी जाएगी। इसे कहेंगे यू विल बी पनिश्ड इफ यू डू इट अगेन। यू विल बी पनिश्ड इफ यू डू इट अगेन। अगला सेंटेंस है, दोबारा लेट आने पर उस पर जुर्माना किया जाएगा। इसे कहेंगे ही शैल बी फाइंड फॉर कमिंग लेट। ही शैल बी फाइंड फॉर कमिंग लेट। अगला सेंटेंस है प्यारे दोस्तों, तुम हर रोज यूनिफॉर्म पहनोगे। इसे कहेंगे यू शैल वियर यूनिफॉर्म एवरी डे। यू शैल वियर यूनिफॉर्म एवरी डे। अगला सेंटेंस है, तुम आज शाम 5 बजे तक अपनी फीस जमा करवाओगे। इसे कहेंगे यू शैल पे योर फीस बाय 5 PM टूडे। यू शैल पे योर फीस बाय 5 PM टूडे। अगला सेंटेंस है, क्या इस मामले में मैं तुम्हारी मदद करूं? इसे कहेंगे शैल आई हेल्प यू इन दिस मैटर। शैल आई हेल्प यू इन दिस मैटर। अगला सेंटेंस है, क्या आज पिकनिक के लिए चलें? इसे इंग्लिश में कहेंगे शैल वी गो फॉर अ पिकनिक टूडे। शैल वी गो फॉर अ पिकनिक टूडे। अगला सेंटेंस है, आओ एक साथ नाचें। क्या नाचें? इसे कहेंगे लेट अस डांस टुगेदर शैल वी। लेट अस डांस टुगेदर शैल वी। अगला सेंटेंस है, क्या मैं आपके साथ चलूं? इसे कहेंगे शैल आई अकंपनी यू। शैल आई अकंपनी यू। कंपनी का मतलब होता है साथ चलना। अगला सेंटेंस है, क्या मैं आपका सामान ले जाऊं? इसे कहेंगे शैल आई कैरी योर लगेज। शैल आई कैरी योर लगेज। अगला सेंटेंस है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? इसे इंग्लिश में कहेंगे वुड यू प्लीज हेल्प मी। वुड यू प्लीज हेल्प मी। अगला सेंटेंस है, मैं अपना वादा पूरा करूंगा। इसे कहेंगे आई वुड कीप माई प्रोमिस। आई वुड कीप माई प्रोमिस। अगला सेंटेंस है प्यारे दोस्तों, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? इसे हम कहेंगे वुड यू लाइक टू कम विद मी। वुड यू लाइक टू कम विद मी। अगला सेंटेंस है, मैं उससे मिलना चाहूंगा। इसे कहेंगे आई वुड लाइक टू सी हिम। आई वुड लाइक टू सी हिम। अगला सेंटेंस है, अगर मैं पक्षी होता तो आसमान में ऊंचा उड़ता। इसे कहेंगे इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई हाई इन द स्काई। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई हाई इन द स्काई। अगला सेंटेंस है, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की होती तो मैं मर जाता। इसे कहेंगे इफ यू हैड नॉट हेल्प्ड मी आई वुड हैव डाइड। इफ यू हैड नॉट हेल्प्ड मी आई वुड हैव डाइड। अगला सेंटेंस है, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। इसे कहेंगे यू शुड नॉट गो देयर। यू शुड नॉट गो देयर। अगला सेंटेंस है, वह ये किसी भी कीमत पर नहीं खाएगी। इसे कहेंगे शी विल नॉट ईट इट एट एनी कॉस्ट। शी विल नॉट ईट इट एट एनी कॉस्ट। अगला सेंटेंस है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इसे कहेंगे मे आई कम इन। मे आई कम इन। तुम अब जा सकते हो। इसे कहेंगे यू मे गो नाउ। यू मे गो नाउ। अगला सेंटेंस है, वो आज आ सकता है। इसे कहेंगे ही मे कम टूडे। ही मे कम टूडे। अगला सेंटेंस है, तुम्हारी उम्र लंबी हो। इसे कहेंगे मे यू लिव लॉन्ग। मे यू लिव लॉन्ग। अगला सेंटेंस है, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। इसे कहेंगे मे गॉड ब्लेस यू। मे गॉड ब्लेस यू। अगला सेंटेंस है, हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम ज्ञान प्राप्त कर सकें। इसे कहेंगे वी स्टडी सो दैट वी मे गेट नॉलेज। वी स्टडी सो दैट वी मे गेट नॉलेज। अगला सेंटेंस है, वह फर्राटेदार इंग्लिश बोल सकता है। इसे कहेंगे ही कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। ही कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। अगला सेंटेंस है, वह दीवार के ऊपर से कूद सकता है। इसे कहेंगे ही कैन जंप ओवर द वॉल। ही कैन जंप ओवर द वॉल। अगला सेंटेंस है, क्या मैं आपकी बाइक ले सकता हूँ?
इसे कहेंगे कैन आई बोरो योर बाइक, कैन आई बोरो योर बाइक। अगला सेंटेंस है तुम कल जा सकते हो, इसे कहेंगे यू कैन गो टुमारो, यू कैन गो टुमारो।